भाई साहब। और कल गार्डन में जिम्नास्टिक कर रहे थे अकेले। अरे वाह। कल रात को 11 बजे बोले मुझे बैडमिंटन खेलना है। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, यही दिखाना। किसी ने इतने अच्छे होटल में भी चड्डियां सुखा रखी हैं। यहाँ पे हमारा स्वागत किया गया मालाओं और टीके के साथ। ये है रिसेप्शन एरिया जहाँ पे हमने अपनी आईडी दी और चेक इन किया। फिर हमें ऑफर की गई वेलकम ड्रिंक्स जिनमें था रोज फ्लेवर और दूसरा था आम पन्ना। रोज फ्लेवर बहुत रिफ्रेशिंग था एंड सो वाज माय आम पन्ना, वेरी रिफ्रेशिंग। यहाँ पे स्टाफ ने हमें होटल के कैफेज और रेस्टोरेंट्स का ब्रीफ दिया जहाँ पर गेस्ट ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कर सकते हैं। बफे सिस्टम, दिस सिशीन स्पेशली फॉर द चाइनीज क्विज़ीन। इसमें जो मेन हमारे शेफ है वो चाइना से बुलाए गए एंड द पात्रा स्पेशली फॉर द इंडियन क्विज़ीन। इसमें सिर्फ सर डिनर। इस तरफ आगे जाके है गेमिंग जोन जहां पर बड़े और बच्चे बोलिंग, स्नूकर, फूसबॉल जैसे गेम्स का मजा ले सकते हैं। ये है लॉबी जहाँ से फिर से बहुत सुंदर व्यू दिखता था। और इन्होंने हमें बताया कि होटल में 341 रूम्स है जो कि सभी ऑक्यूपाइड थे। होटल में 3 कैटेगरी के रूम्स हैं, डिलक्स, एग्जीक्यूटिव और सुइट। हमने एग्जीक्यूटिव रूम बुक किया था जो कि हमें पड़ा 6000 पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, बट इफ यू इंक्लूड डिनर इट विल कॉस्ट यू अराउंड 7500 पर नाइट। मालाओं के साथ, तिलक के साथ वापस से शादी वाली फील आती है। और प्रॉपर्टी भाई सही सिलेक्शन, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल प्रॉपर्टी। मुझे पता है तुम अच्छी चीजें सिलेक्ट करते हो। आई मीन लुक एट मी। मैंने तो कभी नाम नहीं सुना था मेरे, बट इसने बोला कि बहुत अच्छा वो है ये, तो मैंने कहा ठीक है मुझे भी थोड़ा क्रेडिट दो। इसने इग्नोर ही कर दिया था। फिर मैंने इग्नोर नहीं, मैंने तुम्हें सजेस्ट और सेलिब्रिटी वेडिंग हो रही है, बहुत भीड़ थी हमने देखा। और हमने बड़े ऐसे उससे पूछा, वी वर वेरी कैजुअल अबाउट इट, आर देयर एनी वेडिंग्स हैपनिंग हियर, हाउ मेनी वेडिंग्स आर हैपनिंग हियर टुडे। तो सुना यहाँ 2 मैम। वी वर लाइक ओके, ऐसे हमने बताया नहीं कि हमें पता है यहाँ पे वेडिंग हो रही है सेलिब्रिटी। तो आयो गाइस, तो आयो गाइस, सबसे पहले करते वॉशरूम के दर्शन। वॉशरूम बहुत जरूरी है। ये रहा बाथटब। अब ये है वॉशरूम, अब इसमें और क्या देखोगे। लैट्रिन कहाँ गई? छी तनु, लैट्रिन नहीं दी उन्होंने। अरे यार, ओ ये रही हमारी लैट्रिन। बस तनु, इसे बताओ कितना सुंदर है। देखो गाइस, बहुत बड़ा वॉशरूम है, बहुत बड़ा। या इट्स वेरी ग्रैंड एंड ह्यूज। एक तो अलमारियां बहुत है, बहुत अच्छी ऑथेंटिक सी फील आ रही है एकदम एंटीक। ये रहा अलमारी और वो रही चप्पलें जो मैंने नहीं पहन रखी। दे दू? नहीं ठीक। ये अपना तामझाम, ये तो माला जो हमें पहनाई गई थी। ये हमारा बिल्ली माई और ये सब तो सबको पता ही है क्या है। ठीक है, ये एक और ये है बैठने का सेटी। इसके नीचे भी स्टोरेज है। इतनी स्टोरेज का क्या करेंगे? बहुत सारे कपड़े लेके आएगी मैम, तो इसलिए बना दी। कपड़े बहुत सारे लेके आई हूँ पर ये थोड़ी ना यहाँ जमा दूँ दो दिन के लिए मैं। दिस इज द रूम नाउ। और अब आप सोच रहे होंगे ये क्या, ये कैसे व्लॉगर्स हैं, ट्विन बेड वाला रूम ले लिया इन्होंने। इतनी भी दूरियां नहीं आई है अभी हमें। हाँ। इन्होंने हमें ये वाला रूम दे दिया। वो ठीक करके जाएंगे, वैसे अभी ज्वाइन करके जाएंगे। बट ये अपग्रेडेड रूम है। यस, तो उन्होंने बोला हमारे पास किंग नहीं है, उसमें किंग बेड नहीं है। तो उसमें बालकनी और बाथटब नहीं था, सो वी रिक्वेस्टेड देम फॉर एन अपग्रेड। तो उन्होंने बोला क्योंकि होटल पूरा ऑक्यूपाइड है, तो हमें अपग्रेड मिला बालकनी, बालकनी प्लस बाथटब। बट एक कॉम्प्रोमाइज करने को बोला उन्होंने, एंड इट्स ओके, वी आर हैप्पी विद दैट। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बात नहीं, फैल के सोएंगे। हाँ, who cares? हो गए हमें 7 साल। Exactly, we are buddies, bro. इस बात से याद है हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है।
और यहाँ आ गया, फिर कोई आया, मैं गिर तो नहीं जाऊंगा ना बीच में? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं। कभी पता लगा रात होंगे। अच्छा सेम कर दिया। ये कैसे करते हैं बट बीच में लैंप्स हैं तो? मैम ये अलग है बेड, ये लगता है ऐसे कैसे इसमें फिट है, बट ये अलग है, ये बेड बॉक्स होता है। ओके ओके, अच्छा हमारे घर की जैसे बेड नहीं है, इसीलिए बना है। अरे सही, अच्छा मैंने मना नहीं किया इस रूम के लिए। तब उन्हें एक्सरसाइज करते करते रहना शाम तक, रात के 10 बजे तक एक्सरसाइज करते हो। संग्राम सिंह? हाँ। ओ भाई साहब, और कल गार्डन में जिमनास्टिक कर रहे थे अकेले, तो मुझे बता उल्टे होके हाथों पे चल रहे थे गार्डन में अकेले। एथलीट है ना यार, बोल रहे तू भी कर मेरे साथ कुश्ती खेला हुआ है, बोल रहे तू भी मेरे साथ कर। ओके सर, ओके थैंक यू। अच्छी स्टोरीज पता लगी संग्राम सिंह जी की। भाई एक हमें आलसी लद्दड़, अरे पूछो मत, एक वॉक के लिए नहीं उठा जाता यार हमसे। ये चलिए बालकनी के नजारे ले। ओहो बहुत गर्मी है। सो दिस इज द बालकनी। बालकनी इज क्वाइट स्पेशियस टू। या बोलना चाह रही हूं इसी बात पे बोल दूं। हां यहां पे बैंगलोर वाला मौसम होता तो मजे ही आ जाते। और कल और परसों का प्रेडिक्शन है कि बारिश होगी, तो देखते हैं। पिछले हफ्ते से प्रेडिक्शन था कि इस पूरे हफ्ते बारिश होने वाली है, एक बूंद नहीं गिरी। चलो चलती फिरती रहो। अच्छा रुकी हुई है। लो ऐसे जल्दी जल्दी शॉर्ट्स ले लो एक ऐसे। गर्मी सर घूम के घूम घूम के बुढ़ापा। ओह माय गॉड, ठीक है गाइस ये देखो, पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा, यही दिखाना तो। किसी ने इतने अच्छे होटल में भी चड्डिया चुका रखी है। अपनी हिंदुस्तानी सभ्यता को नहीं भूलना चाहिए। हम इंडियंस खतरनाक है। मैंने एक पोस्ट देखी थी कि दुबई में भी किसी ने 7-star प्रॉपर्टी में भी लोगों ने कच्चे सुखा दिए थे। यहाँ भी कच्चे सुखा रखे हैं अपने। Do not forget your roots. Do not forget where you come from. Yes. भाई बहुत गर्मी है, बालकनी का कोई फायदा नहीं, अंदर चलते। हाँ बस ऐसे ही लुक एंड फील के लिए अच्छा है, बट हाँ वेदर तो आप लोग को पता ही है यहाँ कैसा रहता है। कहाँ गई हमारी मैडम, कहाँ भाग गई? जय रही। तो ये था हमारा रूम, बहुत बड़ा रूम है, बहुत अच्छा रूम है, बहुत अच्छी प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी का भी हम एक ब्लॉग बनाएंगे, घुमा देंगे पूरे, दिखा देंगे। गर्मी में सिर्फ आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम ह्यूमिडिटी में घूमेंगे। हम धोनी कपड़ों में, मैम तैयार हो गई। मैम इसीलिए तो बैग भर के लाती है। सिनेमैटिक का ट्राई कर रहे हैं, कुछ थोड़े बहुत सिनेमैटिक आ जाए, और अभी तक हमें आता नहीं, हम सीख रहे हैं। मैं भी सीख रही हूँ एडिटिंग में, दिखेंगे आपको एक आइडिया है। हाँ। वो भी करते हैं। चलो लेट्स डू इट। ओके शोर हो रहा है और पता नहीं वीडियो क्यों रिकॉर्ड नहीं हो पा रही हमारी, और मेरा बहुत जोर से नाचने का मन कर रहा है बारात में, पता नहीं माइक पकड़ भी पा रहा है, आवाज नहीं पकड़ पा रहा। अरे मैं तो नाच दूंगी। तो ये प्रॉपर्टी आपको हम दिखाएंगे, प्लीज आई होप कि हम दिखा पाए, क्योंकि हाँ। हमें भी देखनी है कोई। ठीक है एंड करते हैं व्लॉग यहीं पे। प्लीज वॉच, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल व्हिच इज द पिक्सेल कपल। ये Okay, bye.